फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल. हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज. और अभी तक हम लोग जो सोर्सेज डिस्कस कर चुके हैं वो इस फिगर में आप देख सकते हो. हम लोगों ने अभी तक जो सोर्सेज देखे हैं उनमें से एक कोल है और एक गैस है, ठीक है, नेचुरल गैस. आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो पेट्रोलियम फ्रैक्शंस हैं कि पेट्रोलियम किस तरीके से एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल होता है. पेट्रोलियम जब क्रूड ऑयल को हम रिफाइंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसको आप पेट्रोलियम बोलते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि क्रूड ऑयल क्या चीज़ है, ठीक है. क्रूड ऑयल इज एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ अल्केन्स, अ लार्ज नंबर ऑफ अल्केन्स, ठीक है. और अगर इसको आप देखना चाहो तो ये इस तरह का होता है, पिच ब्लैक या डार्क ब्लैक कलर का इसका यूं प्योर फॉर्म में होता है क्रूड ऑयल, ठीक है. और ये होता क्या चीज़ है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अल्केन्स. कौन से अल्केन्स, इसमें छोटे बड़े हर किस्म के अल्केन्स शामिल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मैथेन अप टिल वेरी वेरी हाई नंबर ऑफ कार्बन्स, यानी कार्बन 30s एंड कार्बन 40s के अंदर भी इसके अंदर होते हैं. तो वी नीड टू फाइंड अ वे जिससे आप क्रूड ऑयल को इन तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर कन्वर्ट कर सको, ठीक है, या इन तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग कर सको. सबसे पहले तो आप ये करते हो कि क्रूड ऑयल जो है इसको प्योरीफाई करते हो, ठीक है, क्योंकि ज़मीन के अंदर से जब ये एज इट इज़ निकाला जाता है इसका ओरिजिन बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने कोल और नेचुरल गैस का देखा था. ओरिजिन इसका भी वैसे ही है, ये भी ज़मीन के अंदर से निकलता है और उसी तरीके से बनता है जैसे कोल और नेचुरल गैस बनते हैं. क्रूड ऑयल जो है इसको जब आप प्योरीफाई करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर से ये इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के बाद ये जो वापस बचता है इसको हम फिर कहते हैं पेट्रोलियम, ठीक है. और पेट्रोलियम की क्या इम्पोर्टेंस है, पेट्रोलियम जो है इसके अंदर से बहुत से किस्म के फ्यूल्स डिराइव होते हैं. मसलन आप इससे नेचुरल गैस निकाल सकते हो पेट्रोलियम के अंदर से, आप इसके अंदर से गैसोलीन निकाल सकते हो जो गाड़ियों में एज अ फ्यूल यूज़ होता है. इसके अलावा आप पेट्रोलियम से जेट फ्यूल डिराइव कर सकते हो, ठीक है. और भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन जो मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं वो पेट्रोलियम से डिराइव होते हैं. सो, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसका क्या मतलब होता है. डिस्टिलेशन का मतलब होता है कंपाउंड्स को अलग करना, ठीक है. अगर आपके पास कोई एक बड़ा कोई लिक्विड है तो उसको लिक्विड को उसके कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन. और ये आप किस बेसिस पे कर रहे होते हो, यूजिंग कंडेंसेशन, ठीक है, एंड वेपराइजेशन. तो अब मैं आपको बताता हूं कि डिस्टिलेशन की डेफिनेशन क्या है. डिस्टिलेशन इज डिफाइंड एज कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड और कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स या फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस का मतलब जिन चीज़ों से वो मिलके बना है, ठीक है. तो उस लिक्विड को उस छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर आप कन्वर्ट कर देते हो यूजिंग कंडेंसेशन एंड वेपराइजेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस प्रोसेस को कहते हैं कि आप बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट्स की बेसिस पे आप हीट करते हो, ठीक है. और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप मुख्तलिफ फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हो किसी भी चीज़ को. फॉर एग्जाम्पल हम ये बात कर रहे हैं ना कि पेट्रोलियम है हमारे पास, तो पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल को जब आप हीट करो तो वो क्या होगा, सारा का सारा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. अब पेट्रोलियम कोई एक चीज़ तो नहीं है ना, इसके अंदर हो सकता है 20 किस्म के कंपाउंड्स हों, ठीक है, 20 किस्म की चीज़ें हों इसके अंदर. अब वो 20 की 20 जो हैं वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है. अब वो 20 की 20 जो हैं उनमें से आहिस्ता आहिस्ता अगर आप टेम्परेचर कम करना शुरू कर दो, पहली दफ़ा जो आपने टेम्परेचर रेज करना है ना वो बहुत ज़्यादा रेज करना है, फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता जब कम करोगे तो कोई उनमें से जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, और कोई बाद में कंडेंस होगा, और उसके हिसाब से आप इन तमाम को सेपरेट आउट करते जाओगे, ठीक है. और इस प्रोसेस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं क्रूड ऑयल की.
अब मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे की जाती है। ये इमेज आपको एग्जैक्टली पूरा प्रोसेस समझा रहा है किस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। आप यहाँ से इसको देखना शुरू करो, इसको समझ के आपने पूरे इमेज को देखना है ये क्या हो रहा है इस इमेज में। ये वाला जो मैं भी रेड से मैंने रीड्रॉ किया है ना, दिस इज़ द स्टोरेज टैंक। स्टोरेज का मतलब जो आप क्रूड ऑयल है ना वो सारा डायरेक्ट इसमें आता है। सबसे पहले जो आप ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करते हो वो क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये आपको देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है क्रूड ऑयल, स्टोरेज से क्रूड ऑयल के अंदर आता है। ये इस वाले टैंक के अंदर क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से एक पाइप आ रहा है यूं करके, ये वाला पाइप, ठीक है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा ये पाइप। ये पाइप जो है ये इस फर्नेस के अंदर आ रहा है, ये जो इससे नेक्स्ट वाला गोल सा लगा हुआ है, दिस कंटेनर इज़ अ फर्नेस। और फर्नेस क्या करता है, उसका टेम्परेचर रेज करता है। टेम्परेचर आपने कितना रेज करना है, आप ऑलमोस्ट 400 to 500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रेज करते हो। अब वो पाइप्स के अंदर चूंकि आ रहा होता है ना क्रूड ऑयल, तो वो यहीं पे अंदर पाइप सारे गर्म हो जाते हैं और वो सारा गैसियस फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से जो भी पेट्रोल आपने पीछे से लाया था ना, वो यहाँ से इस बड़े वाले कंटेनर के अंदर आ जाएगा। ये जो पूरा कंटेनर है ना, ये अब यहाँ पे आप देखो इस कंटेनर के अंदर, अब इस कंटेनर के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे ढेर सारी ट्रेज लगी हुई होती हैं जगह जगह पे, 3, 4, 5, 6। अब जब यहाँ पे वो लिक्विड है, यहाँ पे आप उसको मज़ीद हीट तो नहीं कर रहे ना, वो पीछे से फर्नेस से गर्म हो के आया है, तो वो लिक्विड जो है और उसके अंदर गैसेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ऊपर जाएंगी तो उनका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल कि आपके पास एक चीज़ है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 350 डिग्री सेल्सियस है, और एक और चीज़ है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री सेल्सियस है, और एक तीसरी चीज़ है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको कंपाउंड ए कह लो, इसको बी कह लो, और इसको सी कह लो। अब आप देखो कि जब ये तीनों इधर नीचे थे यहाँ पे, तो 400 डिग्री सेल्सियस पे तो ये तीनों गैस होंगे ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तीनों के 400 से कम है, इसका मतलब है 400 पे ये तीनों गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अब जब आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहे हो, लेट्स कंसिडर कि ये ऐसी जगह है, ये वाली, ये ऐसा कॉलम है जहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन 340 के करीब हो गया। अब 340 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने का मतलब ये हुआ कि इस पे और इस पे आप गौर करो। अब आप ए के बारे में सोचो, टेम्परेचर इस 340 और बॉइलिंग पॉइंट 350 है, यानी अगर टेम्परेचर 350 होता तो ए क्या होता, बॉयल हो जाता। चूंकि टेम्परेचर इसके बॉइलिंग पॉइंट से कम है तो ए क्या होगा, लिक्विफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ए यहाँ पे प्लेट्स पड़ी होती हैं उसके फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से बनाता हूँ, इस जगह पे एक प्लेट पड़ी हुई होगी, ट्रे पड़ी हुई होती है, उसके अंदर जो है वो ए लिक्विड फॉर्म में उसके ऊपर गिर जाएगा आप कह लो। फिर वो जो बाकी हैं वो तो सारे ऊपर जाते रहेंगे ना। बी पे अगर आप गौर करो, बी का चूंकि बॉइलिंग पॉइंट 300 था और अभी टेम्परेचर 340 है, यानी उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है, तो बी अभी तक एक गैस ही है, बी दोबारा ऊपर जाता रहेगा। फिर लेट्स कंसिडर इस जगह पर आके ना टेम्परेचर तकरीबन 275 हो गया, 275 डिग्री सेल्सियस। तो जो ही वहाँ पे आप 275 वाली जगह पे अब आप गौर करो, जो ए है वो तो डेफिनेट, वो तो पहले ही लिक्विफाई हो चुका था। जो बी है, अब वो बी भी लिक्विफाई हो जाएगा क्योंकि बी के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर है ये, तो यहाँ पे बी लिक्विफाई हो जाएगा और सी मजीद ऊपर चला जाएगा क्योंकि सी के बॉइलिंग पॉइंट से अभी भी ज़्यादा टेम्परेचर है। और फिर एक वक्त आएगा कि सी बॉयल कर जाएगा, सी कंडेंस कर जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। तो आप देखो कि होगा, ओवरऑल हो ये रहा है कि मुख्तलिफ ट्रेज पड़ी हुई हैं ऊपर और नीचे, मुख्तलिफ हाइट्स के ऊपर, और मुख्तलिफ ट्रेज के ऊपर मुख्तलिफ कंपाउंड्स जो हैं वो डिपॉजिट होते जा रहे हैं, और ट्रेज को हम बाहर ना इनके यूँ लगे हुए होते हैं, यहाँ से बाहर निकाल, देखो ये पाइप्स नज़र आ रहे हैं ना, ये पाइप्स मुख्तलिफ हाइट्स पे लगे हुए हैं, कोई बिल्कुल नीचे लगा हुआ है, कोई थोड़ा ऊपर लगा हुआ है, कोई बहुत ही ऊपर लगा हुआ है। जो सबसे ऊपर है ना, यहाँ से मैथेन निकल रही होती है, तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ से कौन सी गैस निकल रही होती है। ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अभी हम उस पर बाद में जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक और कंसेप्ट भी देना चाहता हूँ, ट्रेंड्स इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अगर आपसे वैसे पूछा जाए कि एक मेथेन है, एक एथेन है और एक प्रोपेन है, इसमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? एक सिंपली CH4 है, C के चार तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक CC, बाकी सारे हाइड्रोजन्स, ये एथेन हो गया, और तीसरा प्रोपेन है, CCC, बाकी इसमें 3, 4,
5, 6, 7, 8 हाइड्रोजन्स, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस के ऊपर, और इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस किन में ज़्यादा होंगी, इन तीनों में से इस वाले के अंदर, क्योंकि इसका साइज़ बहुत लंबा है ना इस चेन का, जितनी चेन लंबी होती जाती है उतनी ही इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ज़्यादा होती जाती हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, तो इनमें जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होती हैं वो वैन डेर वाल्स फोर्सेस होती हैं। और ये वैन डेर वाल्स फोर्सेस जो हैं, ये अगर आपको याद हो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था पोलराइजेबिलिटी का, ये वैन डेर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा होती हैं जितना बड़ा मॉलिक्यूल होता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेन का होगा, उससे कम एथेन का और उससे कम मैथेन का। इस फिगर के अंदर आप देख सकते हो के मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं उनके मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये पेट्रोलियम फ्रैक्शंस ही हैं। सबसे पहले आपको नज़र आ रहे पेट्रोलियम गैसेस, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये अप्रॉक्सीमेटली बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बिलो आरटी, आरटी यहाँ पे रूम टेम्परेचर है, ठीक है। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से भी कम है, और आप ये वैसे चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ोगे कि जो पहले चार अल्केन्स हैं ना, मैथेन, उसके बाद एथेन, उसके बाद प्रोपेन एंड देन ब्यूटेन, ये चारों जो हैं ये गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये चारों गैसेस हैं, मैथेन भी गैस है, एथेन भी गैस है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये चारों गैसेस हैं। लेकिन जब आप पेंटेन और उससे बड़ों की बात करते हो तो वो लिक्विड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेक्सेन जो होगा ये एक लिक्विड होगा। इसकी वजह ये है कि जब आप पेंटेन या इससे ऊपर जाते हो ना, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है। मसलन लेट्स अज्यूम कि पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट 35 डिग्री सेल्सियस है, ये बॉइलिंग पॉइंट है पेंटेन का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पेंटेन। और अगर रूम टेम्परेचर जो है वो 25 है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है, तो बताओ पेंटेन गैस होगा कि लिक्विड होगा। बॉइलिंग पॉइंट 35 है रूम टेम्परेचर के ऊपर, यानी अभी 25 टेम्परेचर है, इसका मतलब है कि अभी जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम है कि ज़्यादा है, कम है ना, तो इसका मतलब है अभी बॉयल नहीं हुआ पेंटेन, इसका मतलब है ये लिक्विड है। तो अगर आपका जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम हो तो वो चीज़ लिक्विड होती है, और अगर जो टेम्परेचर आप कंसिडर कर रहे हो वो बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो, टेम्परेचर इज़ लेस देन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये लिक्विड होती है, और टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट तो फिर ही चीज़ गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ये पहले आपके पास पेट्रोलियम गैसेस हैं, ये सारी रूम टेम्परेचर से कम है और इसी वजह से गैसेस हैं। इनके अंदर कार्बन एटम्स 1 to 4 होते हैं। इसके बाद जो पेट्रोल है 5 to 10, बेसिकली जो पेट्रोल हम इसको बोल रहे हैं, इसके अंदर गैसोलीन जो होता है वो भी बेसिकली इट्स टाइप ऑफ पेट्रोल, ये हम बात करेंगे अभी इस बारे में। इसमें 5 से 10 कार्बन एटम्स होते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट आप देखो 35 to 75 ज़्यादा हो गया। अब आप नेफ्थलीन या नेफ्था की बात करो तो इसमें 8 to 12 कार्बन एटम्स होते हैं, और इसका बॉइलिंग पॉइंट अब उससे भी ज़्यादा हो गया, 70 to 170 के दरमियान। और फिर उस केरोसिन ऑयल की अगर आप बात करो, इसमें 10 से 14 के दरमियान कार्बन एटम्स होते हैं, यानी ये जो था दिस वॉज पेंटेन से डेकेन के दरमियान, दिस इज ऑक्टेन से 12 कार्बन्स के लिए जो भी नाम होता है उसके दरमियान 10 to 14, डीजल ऑयल्स में 15 से 24 के दरमियान, और इनका देखो बहुत ही ज़्यादा 250 to 340, और लुब्रिकेटिंग ऑयल्स जो होते हैं इनमें इवन 9 से 35 कार्बन एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 340 से लेके 500 के दरमियान। यहाँ पे आप देखो ये बिट्यूमेन लिखा हुआ है, एक फाइनली जो सबसे एंड पे एक चीज़ लिखी हुई है, इसमें मोर देन 70 कार्बन एटम्स हैं, और इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं होता, ये जो है ओवर 500 इसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये ऊपर अगर आप देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बिट्यूमेन, और ये डायरेक्ट यहाँ से एक एरो आ रहा है रोड के ऊपर, ये रोड के ऊपर ये जो ब्लैक कलर का पड़ा हुआ होता है ना, ये आप कोल टार भी इसमें यूज़ करते हो और बिट्यूमेन भी इसमें यूज़ करते हो, ठीक है। ये पिच होती है जो रोड के ऊपर पड़ी होती है, ये उसमें इस्तेमाल होता है। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि आपको ये तो बात समझ आ गई कि जितना मॉलिक्यूल बड़ा होता है साइज में उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इस फिगर से अब आपको फाइनली समझ आ जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ही कहानी स्टार्ट हो रही है,
The crude oil is heated in a furnace to about 400 degrees Celsius, ठीक है, इतने temperature पे आप उसको heat करते हो, and passes as gases into the fractional distillation column. यहाँ से crude oil आया और वो सारा gas की form में convert हो गया जब वो यहाँ पे गया. जब वो यहाँ पे गया ना gas की form में, तो ये इधर holes बने हुए हैं. देखो, ये एक hole है, ये एक पूरी plate लगी हुई होती है. यूं एक plate लगी हुई है और उस plate के अंदर यूं दो holes बने हुए हैं जिससे gases ऊपर जाती हैं. ठीक है, तो ये सारी गैसेस जो हैं ये ऊपर चली जाएंगी. कुछ गैसेस बहुत ही भारी होंगी, इवन 400 डिग्री सेल्सियस पे भी जब आप आओगे तो यहाँ पे टेम्परेचर 400 से फिर कम होना शुरू हो जाएगा. कुछ गैसेस यहाँ पे नीचे बैठ जाएंगी. ठीक है, कुछ गैसेस इधर नीचे आ जाएंगी, ये रेजिड्यू कहलाता है. अब इस रेजिड्यू को फिलहाल आप भूल जाओ. आप यहाँ पे देखो ये गैसेस ऊपर जा रही हैं. अब यहाँ से जो ही आप ऊपर जाते हो तो सबसे पहला स्टेप आता है ये वाला, 250 से 350 के दरमियान यहाँ पे टेम्परेचर होता है. पीछे आपने 400 पे भेजा था, यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ इस प्लेट से जो ही गैसेस ऊपर निकलेंगी ना तो वहाँ पे टेम्परेचर होगा 250 से 300 के दरमियान. और गैस ऑयल्स जो हैं, ये पेट्रोलियम का एक फ्रैक्शन है, इसके अंदर 14 से 20 के दरमियान कार्बन एटम्स होते हैं. और ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं गैस ऑयल्स? ये डीजल फ्यूल के अंदर इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, और सेंट्रल हीटिंग ऑयल्स के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं. डीजल्स का जो फ्यूल होता है उस वो थोड़ा हैवी ड्यूटी ऑयल होता है, उसके अंदर ये इस्तेमाल होते हैं. ये बहुत ही बड़े बड़े ये कार्बन एटम्स हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो एक बड़ा सा ट्रक आपको नज़र आ रहा है, ये डीजल यूज़ करता है, तो इसमें ये इस्तेमाल होता है. मज़ीद कुछ जो है, ये जो यहाँ पे लिक्विफाई हो जाएगा 250 से 300 के दरमियान का मतलब है अगर टेम्परेचर इतना हो गया तो ये यहाँ पे लिक्विड हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा, और ये यहाँ पे इस प्लेट पे बैठ जाएगा और इस पाइप से ये हम बाहर निकाल लेते हैं. ठीक है, बाकी जो गैसेज हैं वो अभी भी ऊपर जाती रहेंगी. ये एक और दो होल्स बने हुए हैं, इस वाली प्लेट से वो पास करेंगी और इससे ऊपर चली जाएंगी. इससे ऊपर जो ही जाएंगी तो वहाँ पे ये वाली कैटेगरी आ जाएगी, 160 से 250 के दरमियान वहाँ पे टेम्परेचर होगा. ये अब 250 से कम टेम्परेचर है, तो जो चीज़ें 250 से कम के ऊपर कंडेंस कर जाती हैं वो इधर लिक्विफाई हो जाएंगी, इस प्लेट के ऊपर आ जाएंगी और वो आप इधर से बाहर निकाल लोगे. ठीक है, केरोसिन ऑयल हैज़ 10 to 16 कार्बन एटम्स, दैट वॉज 14 टू 20 कार्बन एटम्स, और इसमें 10 से 16 के दरमियान. ये केरोसिन ऑयल होता है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये एविएशन में एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है. जहाज़ों का जो फ्यूल होता है वो नॉर्मली केरोसिन ऑयल और उससे निकलता है. और इसके अलावा केरोसिन ऑयल जो पेंट्स हैं उसके अंदर डाला जाता है उनको डिजोल्व करने के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट के तौर पर. इससे मजीद जो अभी भी गैसेस रह गई हैं वो फिर मजीद ऊपर चली जाएंगी इस वाले के अंदर. ठीक है, और यहाँ से ऊपर जाएंगी तो यहाँ पे टेम्परेचर 70 से 160 के दरमियान होगा. यहाँ पे नेफ्थाज होंगे या नेफ्थलीन्स होंगे. ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? ये कार्बन एटम्स इसमें कितने हैं? 8 से 12 के दरमियान. ठीक है, और ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? ये कार फ्यूल्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, पेस्टिसाइड्स के अंदर, फर्टिलाइजर्स के अंदर, और प्लास्टिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए इसमें नेफ्थाज यूज़ होते हैं. इस अगेन यही होगा, कुछ मज़ीद अभी भी ऊपर चले जाएंगे. एंड यहाँ पे आप देखो 20 से 70 के दरमियान जिसका बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम बोलते हैं गैसोलीन. हाइड्रोकार्बन्स इन गैसोलीन हैव बिटवीन 5 to 10 कार्बन एटम्स. ये जो गैसोलीन आप गाड़ियों में डालते हो इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली गैसोलीन केमिकली अगर आपसे पूछा जाए क्या चीज़ है, तो गैसोलीन C5H12 से लेके C10H22 के दरमियान कोई भी कंपाउंड हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल ये पेंटेन, हम इसको थोड़े डार्क कलर से लिख देते हैं, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, उसके बाद ऑक्टेन, फिर नॉनेन एंड देन डेकेन. नॉर्मली आपने ऑक्टेन का लफ्ज सुना होगा इससे पहले, हाई ऑक्टेन या लो ऑक्टेन फ्यूल होता है. तो गैसोलीन बेसिकली सिर्फ ऑक्टेन नहीं होता, इसमें और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इसके, तो ये कार्स के अंदर इस्तेमाल होता है. और सबसे ऊपर आप देखो ये 20 डिग्री सेल्सियस पे जिनका बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपके पास रिफाइनरी गैसेस हैं. ओनली 4 हाइड्रोकार्बन्स रिमेन एज गैसेज, मैथेन, एथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन. ये से थोड़ी देर पहले भी मैं आपको ये पॉइंट समझा चुका हूँ. अब इसमें जो मैथेन है वो हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो आपको पता है हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे. हम मैथेन को हाउस होल्ड यूजेज के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, केल्न्स वगैरह के अंदर इंडस्ट्रियली इस्तेमाल करते हैं. अभी देखो यहाँ पे नीचे फ्यूल फॉर पोर्टेबल गैस स्टोर्स, ये हम जो गैस के सिलेंडर होते हैं उनमें आप मैथेन गैस स्टोर करते हो. लाइट्स वगैरह के अंदर हम यूज़ करते हैं, और मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स, फॉर एग्जांपल मेथाइल क्लोराइड वगैरह और
मैथेन बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है, जितने जो छोटे हाइड्रोकार्बन्स हैं आप चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ोगे कि मैथेन के बहुत सारे चीज़ें मैथेन से डिराइव की जा सकती हैं। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके से क्रूड ऑयल जो है इस पिच ब्लैक ये जो आपको ऑयल नज़र आ रहा है इसको हम किस तरीके से रिफ़ाइन करते हैं सबसे पहले, ठीक है। रिफ़ाइन करने के बाद ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर हमने आज देखा कि किस तरीके से पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसमें मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट्स की बेसिस पे मुख्तलिफ पेट्रोलियम के जो फ्रैक्शंस हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और पेट्रोलियम के कौन कौन से फ्रैक्शंस हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। हम पेट्रोलियम के अंदर से नेफ्थस डिराइव करते हैं, नेफ्थलीन डिराइव करते हैं, ठीक है। गैसोलीन हम पेट्रोलियम के अंदर से डिराइव करते हैं, ठीक है। केरोसिन ऑयल हम इसके अंदर से निकालते हैं, केरोसिन ऑयल। इसके अलावा हम लोग गैस ऑयल्स मुख्तलिफ इसके अंदर से निकालते हैं, ठीक है। और इसके अंदर से हम पेट्रोलियम कोक या एसफॉल्ट भी इसके अंदर से निकालते हैं। इसके अलावा लुब्रिकेटिंग बहुत से ऑयल्स भी इसके अंदर से निकलते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। ये वो हैं वो जो बड़े बड़े थे ना, जो ज़्यादा लंबे एल्केन्स थे, ये वो वाले हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल्स वगैरह, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो आज हमने देखा ना कि क्रूड ऑयल के थ्रू गैसोलीन प्रिपेयर किया जा सकता है। अब होता यह है कि क्रूड ऑयल अगर आपने 100 पार्ट्स लिया है तो गैसोलीन उसके अंदर से सिर्फ 20 से 25 पार्ट्स के दरमियान प्रोड्यूस होता है, ठीक है, 20 to 25 पार्ट्स। बाकी उसमें और चीज़ें होती हैं, लेकिन इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा यूज़ वाली चीज़ है वो बेसिकली गैसोलीन ही है। जो पेट्रोल पंप्स में आप देखो कितनी रोज़ कितना पेट्रोल यूज़ हो रहा है, गैसोलीन कितना गाड़ियों में हर रोज़ इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हमें गैसोलीन जो है वो कहीं और से भी निकालना पड़ता है, ठीक है। तो गैसोलीन अब क्रूड ऑयल से तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू तो आप दोबारा और नहीं निकाल सकते, आपको कुछ और करना पड़ेगा। फिर हम ये करते हैं कि जब हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की थी तो इसमें कुछ बड़े कंपाउंड्स भी तो प्रोड्यूस हुए थे ना, केरोसिन ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, गैस ऑयल्स, नेफ्थास। आप ऐसा कर सकते हो कि इनमें से कोई एक बड़ा कंपाउंड लो, ठीक है, और उसको तोड़ दो, और इस तरीके से तोड़ो उसको, उसको क्रैक कर दो। क्रैक करने का मतलब किसी कंपाउंड को ब्रेक कर दो, ठीक है। जब आप बॉइलिंग पॉइंट पे किसी को लेके जाते हो ना कंपाउंड को, तो वो ब्रेक नहीं होता, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। अगर वो लिक्विड था, लिक्विड से वो गैस में आ जाएगा, लेकिन अगर आपने पेंटेन को किया था तो वो पहले भी C5H10 था और वो गैस में जाके भी C5H10 ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ ये होगा कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान का फासला ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जब आप टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कर देते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं पेंटेन ही के बारे में आपको बताऊं, पेंटेन का वैसे जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज़ अराउंड 30-35 डिग्री सेल्सियस के करीब, लेकिन अगर पेंटेन को 500 डिग्री सेल्सियस पे आप ले जाओ, यानी बॉइलिंग पॉइंट से भी तकरीबन 450 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो पेंटेन के जो बॉन्ड्स हैं ये टूट जाते हैं, कार्बन का जो कार्बन के साथ बॉन्ड है ना ये टूट जाते हैं, और पेंटेन दो छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग बहुत सारे तरीकों से की जाती है, ये हम इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, क्रैकिंग के हम किस तरीके से क्रैकिंग करके गैसोलीन प्रिपेयर कर सकते हैं।